दोस्तों, इन दिनों बिटकॉइन की खूब चर्चा हो रही है। वजह, बिटकॉइन की कीमत का बढ़कर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचना। बता दें कि एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त करीब 26.5 लाख रुपए हो गई है। यही वजह है कि निवेशक इन दिनों बिटकॉइन में खूब निवेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन है क्या? आप जानते हैं कि हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे भारत का रुपया, अमेरिका का डॉलर, सऊदी अरब का रियाल। ये फिजिकल करेंसीज होती हैं। इन्हें भौतिक रूप से आप लेकर कहीं जा सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं, किसी देश में नियमों के अनुसार यूज कर सकते हैं। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। यह इंटरनेट पर वर्चुअल रूप में मौजूद होती है। इसे एक दूसरे को पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन को कोई सरकार या सरकारी बैंक नहीं छापते, बल्कि दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर इसकी माइनिंग करते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार कंप्यूटर इंजीनियर सातोशी नाकामोतो ने 2008 में किया था और 2009 में बिटकॉइन जनरेटर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको पब्लिश कर दिया गया था। बिटकॉइन के आविष्कारक संतोषी नाकामोतो एक अननोन पर्सन का नाम है। दुनिया में कोई नहीं जानता कि यह कोई एक व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसको कंप्यूटर या बिटकॉइन वॉलेट में एक डिजिट संख्या के रूप में देखा जा सकता है। बिटकॉइन वॉलेट एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हमारा बिटकॉइन वर्चुअली शो होता है। यह वॉलेट यूजर के कंप्यूटर पर या फिर ऑनलाइन क्लाउड पर हो सकता है। बिटकॉइन वॉलेट एक तरह का वर्चुअल बैंक अकाउंट है जिसे एक खास पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। अगर किसी यूजर ने इस डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड गुम कर दिया तो फिर उसके बिटकॉइन भी गुम हो जाएंगे। बिटकॉइन वॉलेट को हम पेटीएम वॉलेट की तरह समझ सकते हैं। तो क्या बिटकॉइन किसी भी मात्रा में जारी किए जा सकते हैं? बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी संख्या निर्धारित है। पूरे दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन टोकन मौजूद हैं, जिसको सुपर कंप्यूटर के सहारे माइनिंग कर सकते हैं। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं, बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था केवल 21 मिलियन बिटकॉइन की ही है। इसके बाद दुनिया में कोई और बिटकॉइन नहीं बनेगा। फिलहाल अब तक 17 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग की जा चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार बिटकॉइन की माइनिंग साल 2140 तक चलेगी। उस वर्ष के बाद बिटकॉइन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये बिटकॉइन माइनिंग होती कैसे है? बिटकॉइन माइनिंग से आशय बिटकॉइन को जनरेट करना होता है। असल में दोस्तों, जब कोई दो व्यक्ति बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका एक रजिस्टर या एक इंडेक्स मेंटेन होता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने इंटरनेट पर मौजूद रहता है कि अमुक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किस किस पर्टिकुलर आईडी के बीच हुआ है। इस रजिस्टर या इंडेक्स को जनरेट करने का काम बिटकॉइन माइनिंग प्रक्रिया के दौरान ऑटोमेटिक होता जाता है। यह इंडेक्स या रजिस्टर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, जिसके एवज में उनको बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। जिस तरह से हम कोई रियल मनी का हमारे डेबिट, क्रेडिट या ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके प्रति जिम्मेदार हमारा बैंक होता है। बैंक ही है जो वेरीफाई करता है कि रिसीवर को मनी मिली है या नहीं। ऐसे में हमारे ट्रांजैक्शन में कोई भी विवाद की स्थिति में बैंक ही उस केस को सॉल्व करता है और अपने पास सारे रिकॉर्ड रखता है कि किस खाता धारक द्वारा किसको पैसा दिया गया या लिया गया, और इन सब काम के बदले बैंक हमसे कुछ सर्विस चार्ज लेता है। चूंकि बिटकॉइन किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो वर्ल्ड में यह बिटकॉइन माइनर्स ही होते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और उनको बदले में सर्विस चार्ज के रूप में बिटकॉइन का कुछ पार्ट मिल जाता है। ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी होती है, जिसके लिए एक सुपर प्रोसेसर कंप्यूटर और एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जो जल्दी से जल्दी उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। जो व्यक्ति जितना जल्दी उस कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, उतना जल्दी उसको बिटकॉइन का हिस्सा मिल जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिटकॉइंस को जनरेट करना इतना आसान नहीं है। असल में यह एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम, पावर और एनर्जी लगती है। अब सवाल पैदा होता है कि बिटकॉइन को कैसे खरीदा जा सकता है? बिटकॉइन करेंसी को दो तरीकों से होल्ड किया जा सकता है। एक तो यह कि आप बिटकॉइन माइनिंग करें, और दूसरा यह कि आप कोई बिटकॉइन होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देकर उनसे खरीदें। खरीदे गए बिटकॉइन को आप अपने बिटकॉइन वॉलेट में रख सकते हैं, पर यहां आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने बिटकॉइन की निजी चाबी को खो दिया
इसका मतलब आपने सब कुछ खो दिया। नवंबर 2013 में जेम्स हॉवेल्स नाम के एक आईटी व्यक्ति के पलक झपकते ही 7500 बिटकॉइन खो गए, क्योंकि उसने हार्ड डिस्क को फेंक दिया था जिसमें उसकी बिटकॉइन की निजी चाबियां थी। क्या बिटकॉइन जैसी कोई अन्य क्रिप्टो करेंसी भी है? बिटकॉइन दुनिया में इकलौती क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड में एथीरियम, लाइटकॉइन, कार्डनो, पॉलकाडॉट जैसी करीब 600 से 700 वर्चुअल करेंसीज अवेलेबल हैं, परंतु इनमें सबसे ज्यादा मूल्य वाली करेंसी बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन का वर्चस्व इस बात से भी साबित होता है कि कुल क्रिप्टो करेंसी में 69% हिस्सेदारी बिटकॉइन की है। ऐसा क्या कारण है कि बिटकॉइन में लोग निवेश करने को इतने उत्सुक हैं? दरअसल तकनीक और इंटरनेट के बढ़ते असर के चलते बिटकॉइन के इस्तेमाल में खासी बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में निवेशक क्रिप्टो करेंसी में लगातार निवेश कर रहे हैं। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो पूरी तरह किसी भी सरकार, बैंक या संस्था से संबंधित नहीं है, यानी इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और तो और, विनिमय के समय इसमें लेनदार और देनदार दोनों की पहचान छिपी रहती है। ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी का हस्तक्षेप नहीं होता जो आप पर नजर रखता हो, जिसके चलते बिटकॉइन खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। क्या बिटकॉइन को मान्यता प्राप्त है? बिटकॉइंस को कुछ देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है जिन्होंने इसके ऊपर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बना रखी हैं, और कुछ देशों द्वारा इस पर कानून भी बना है। जापान में बिटकॉइन पर कानूनी बिल भी बना हुआ है जिसमें 1 अप्रैल 2017 को बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है। अमेरिका में वर्चुअल करेंसी के संबंध में कानून और दिशा निर्देश बना रखे हैं। इसके लिए उसने एक सरकारी खजाना विभाग की एक ब्रांच काम करती है जिसका नाम है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, जो कि वर्चुअल करेंसी के संबंध में लोगों को दिशा निर्देश देता है। यूरोपीय संघ ने भी 1 जुलाई 2016 को एक बिटकॉइन एक्सचेंज बिटस्टम को सरकारी लाइसेंस देकर वर्चुअल करेंसी के विनिमय को हरी झंडी दे दी है। फिलीपींस ने बिटकॉइंस और वर्चुअल करेंसी को 6 मार्च 2014 को कानूनी मान्यता दी है। सिंगापुर में इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा वर्चुअल करेंसी के रूप में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसके तहत सिंगापुर में IRAS वर्चुअल करेंसी या बिटकॉइन को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर क्या बिटकॉइन भारत में भी वैध है? देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पहले रिजर्व बैंक के जरिए 2018 में बिटकॉइन पर बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को वर्चुअल करेंसी में निवेश करने की छूट दे दी, यानी भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। अंत में केवल इतना ही कि कोई भी ऐसा निवेश जो मार्केट फोर्सेस पर निर्भर हो, उसे बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, फिर वह चाहे बिटकॉइन में ही क्यों ना किया जाए।